हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधे टेक वर्ल्ड। दिस इज राखी सिन्हा हियर। आज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो में हम टेस्ट कमांड एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्ट कमांड में हम मेक कमांड का यूज करेंगे। कमांड इनपुट बॉक्स में आपको मेक कमांड लिखना है। मेक स्पेस देना है, नम स्पेस 5, एंटर कीजिए। ठीक, फिर लिखिए मेक, फिर वेलकम और ब्रैकेट में हेलो लिखिए। कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, कोई भी टेस्ट। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद हम शो कमांड का भी यूज करेंगे इसके साथ ही। अब हम मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का, और साथ में शो कमांड भी यूज कर रहे हैं। ये देखिए क्या प्रिंट हुआ हमारा, जब हमने शो नम वेलकम लिखा। पहले तो हमने हमने लिखा मेक नम 5, मीन्स कि आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल वो होता है जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ हमारा डाटा का वैल्यू हम इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा मेक वेलकम और वहाँ पे हेलो लिखा, और जब हमने शो नम वेलकम किया तो हमें हमारा क्या प्रिंट हुआ, 5 और हेलो। ठीक, नेक्स्ट N1 स्पेस 5। ठीक है, स्पेस देना है आपको, फिर आप लिखिए मेक स्पेस, उसके बाद लिखिए N2 और फिर लिखिए 6 स्पेस देके। ठीक है, फिर आपको लिखना है प्रिंट। अब हम कौन सा कमांड पढ़े, प्रिंट, फिर आपको स्पेस देना है, कॉलन देना है, और आप कौन सा नंबर को प्रिंट कराना चाहते हैं, N1 या N2। तो अगर आप N1 प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, N1, तो आपका देखिए 5 प्रिंट हुआ। फिर अगर आप प्रिंट फिर स्पेस दे दिए, और फिर अगर आप नंबर 2 को प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, नंबर 2, तो आप N2 लिखेंगे और स्पेस देंगे, तो ये देखिए 6 प्रिंट हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हैं दोनों को साथ में प्रिंट कराना, तो आप उस दोनों को साथ में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, छोटा वाला ब्रैकेट, उसके बाद प्रिंट कमांड देंगे, उसके बाद हम लोग स्पेस देंगे, कॉलन देंगे, और अब नंबर 1 पहले चाहते तो नंबर 1 देना है, फिर स्पेस देना है, फिर कॉलन देना है, फिर नंबर 2 लिखना है, और फिर ब्रैकेट को बंद करना है, क्लोज करना, और ये देखिए एंटर कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 5 और 6 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम कोई टेस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो प्रिंट यहाँ पर अगर आपको प्रिंट क्या करना है, स्पेस और हेलो, ठीक है, हेलो प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए हेलो प्रिंट होगा। नेक्स्ट है आपका कमांड लेबल। ठीक है, लेबल में हम जो भी टेस्ट लिखेंगे वहां आपको शो करेगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे अभी स्क्रीन का कलर थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके कर दिया। कमांड लिखते हैं लेबल, लेबल फिर स्पेस देना है, फिर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं बिग ब्रैकेट दीजिए, और जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। हाय आई एम लर्निंग, और ब्रैकेट को दिए क्लोज। ये देखिए आपका, ये ऐसे क्यों दिखाया, क्योंकि हमने टर्टल को पोजीशन नहीं दिया था कि वो राइट टर्न ले ले। तो अगर हम यहाँ पे राइट टर्न का पोजीशन दे देते हैं, राइट टर्न 90 डिग्री, अब अगर हम कुछ लिखेंगे तो टर्टल हमारा, टर्टल का जो डायरेक्शन होगा उसी साइड में वो लिख के आपको शो करेगा। जैसे अब हम लिखेंगे लेबल
फिर स्पेस से, फिर ब्रैकेट में, और अगर हम लिख रहे हैं हेलो लोगो, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया। ये देखिए अभी आपको हेलो लोगो जो है वो आपको हॉरिजॉन्टली शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप कमांड, में भी वही यूज़ है जो हम लोग प्रिंट का काम कर रहे थे। टाइप को भी आपको टाइप करना है, लिखना है, और फिर लिखना है और कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये देखिए टाइप हेलो लिखा, और क्या करना है हमें यहाँ पर प्रिंट हाय, ठीक है। तो जब हम टाइप हेलो और प्रिंट हाय लिखे तो दोनों एक साथ हमको दिखा रहा है हेलो एंड हाय। ये देखिए टाइप हेलो हमने लिखा और प्रिंट लिखा हाय, तो हमें एक साथ शो हो रहा है हेलो हाय। फिर से करके दिखाते हैं टाइप, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा राधे और यहाँ लिख दिया प्रिंट एजुकेशन, तो ये देखिए क्या दिखा रहा है राधे एजुकेशन, दोनों को एक साथ शो कर रहा है। अब हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करना सीखेंगे, मीन्स कि इसमें हम कैसे सम करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये सब हम करना यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सम करना सिखा रही हूँ, ठीक। कितना आया हमारा प्रिंट सम 8 स्पेस 9 किया तो 17 आया। सम ने लिखा प्रिंट सम स्पेस 5 स्पेस 5, ठीक है, यह हमारा आ गया 10। इसी टाइप से हम डिफरेंस भी निकालेंगे। ये देखिए प्रिंट, अब क्या लिखना है हमें डिफरेंस, टी आई डबल एफ ई आर एन सी डिफरेंस, और हमें लिखना है यहाँ पर 9 5, तो हमारा आंसर आएगा 4, ठीक है। लेकिन अगर हम बड़े वाले डिजिट को बाद में लिखेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा। ये देखिए प्रिंट ठीक है, ये हमने लिखा तो देखिए हमारा क्या आंसर आया, माइनस में आंसर आया है। अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे प्रिंट प्रोडक्ट स्पेस, जो भी डिजिट का आप प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं आप यहां से निकाल सकते हैं, 8 स्पेस 5, ये देखिए कितना आया 40। अब हम कॉटन निकालेंगे, ठीक है, जो हमारा कॉटन बचता है वो निकालेंगे, तो प्रिंट कॉटन लिखना है आपको, फोर टू, तो हमारा क्या कॉटन हुआ 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए सीखेंगे, प्रिंट 2, ये देखिए कितना आया हमारा 1, रिमाइंडर निकाला 5 लिखा और स्पेस दिया 2, तो कितना आया हमारा ये, फिर लिखिए प्रिंट रिमाइंडर, मान लीजिए हम निकाल रहे हैं 10 3, तो हमारा फिर भी आया 1। इस टाइप से हमने प्रिंट कमांड यूज करना सीखा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें कि नोटिफिकेशन लोगों आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ जरूर से शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।